जय हिंद साथियों, आपसे कहता विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? ड्राइवर के फॉर्म आ चुके हैं, डालना चाहते हो मगर अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि लाइसेंस कब तक का चाहिए, डेट से पहले का चलेगा या डेट की बाद का चलेगा, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ड्राइवर कमाता कितना है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम चलते हो, इंस्टाग्राम फॉलो भी कर सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे अन्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो अदर्स चैनल है, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर उनको भी सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ड्राइवर पे मैंने इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, मगर अभी वैकेंसी आई तो उसके बाद मैं टाइम नहीं मिल पाया, तो बहुत बच्चों की डिमांड ये आ रही थी, सर इसको एक बार बताओ तो इसके बारे में बता ही नहीं रहे हो, आईटीबीपी से बिलोंग करते हो, आईटीबी में बता नहीं रहे हो। देखो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बता दूं भाई, पैसा बहुत है ड्राइवर में, क्योंकि तो इसमें अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आप सभी को। ठीक है, ड्राइवर लेके गाड़ी निकला पड़ा, आप समझ लो यार, बिल्कुल लोको पायलट की तरह है भाई, लोको पायलट की तरह है। उसके साथ साथ आप एरिया अलाउंस मिलता रहता है, क्योंकि ड्राइवर है भाई, कहीं भी जाना है राशन लेके, कहीं भी लेके जाना है, गाड़ी लेके गाड़ी उठानी, गाड़ी लेके चल दिया भाई, ये गाड़ी लेके उठाए, गाड़ी लेके चले, और चले ड्राइवर को लेके कहीं पर भी जाना है, पैसा तो बनेगा ही वहां पर, तो पैसा बहुत बनता है भाई। देश के लिए काम भी करोगे और अपने सपने भी पूरे कर लोगे, ठीक है। मगर ड्राइवर की नौकरी ये भी समझ लेना, ठीक है, वो तो भर रहे तो खुद ही पता होगा ड्राइवर की नौकरी, लाइसेंस वगैरह तो हो गई। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि लाइसेंस कब तक का चाहिए, पूरी डिटेल बताने वाले, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, अच्छी लगेगी। देखो सबसे पहले वैकेंसी कितनी आई है, वैकेंसी मैं बता दूं, सबसे पहले 458 वैकेंसी आई है, ठीक है, 458 वैकेंसी आई कांस्टेबल ड्राइवर पे आई है। देखो कांस्टेबल ड्राइवर पे भर्ती आती है, उसके बाद प्रमोशन होता है, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल बन जाओगे, फिर एसआई बनोगे, फिर इंस्पेक्टर से ज्यादा ऊपर जा नहीं पाते, ठीक है, एमटी में से ज्यादा ऊपर नहीं जाते। एमटी मतलब होता है कि मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जब तुम आईटी में भर्ती हो ना, सब तुम बोलेंगे एमटी वाले, ठीक है, एमटी डिपार्टमेंट के, तो ऐसा बोला जाएगा आप सभी को। तो ये कांस्टेबल ड्राइवर जो भर्ती है, टोटल कितनी है, 458 भर्ती है, इसमें यूआर की 195 भर्ती आ रखी है, एससी की 74, एसटी की 37, ओबीसी की 110 और ईडब्ल्यूएस की 42 वैकेंसी आ रखी है, ठीक है। आप सभी को पता है कि वेबसाइट फॉर्म आ चुका है, अप्लाई करना भी शुरू कर दिया होगा, मगर अप्लाई भी नहीं हो पा रहा, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा एक वीडियो में, ठीक है। देखो यहाँ पर आप सभी को लेवल 3 की वैकेंसी होती है 21,700, तो इसका बेसिक पे है भाई, अलाउंसेज मिलेंगे आराम से, तुम कमा लोगे 40-45,000, ठीक है, 45,000 तो कहीं नहीं गया, अलाउंसेज वगैरह मिल जाएंगे, बढ़िया सब कुछ मिलेगा, राशन पानी सब कुछ मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हो अलाउंसेज वगैरह सब कुछ मिला है। देखो ये भी लिखा हुआ है, देखो लिखना कि वाइल पोस्टेड इन द स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया, जब आपको स्पेशल मिलेगा भाई, ठीक है, स्पेशल अलाउंस मिलेगा आप सभी को, जब आप स्पेशल एरिया में जाओगे बढ़िया पैसा मिलेगा आप सभी को। एज लिमिट 21 से 27 साल होती है, उसके बाद एज में छूट भी मिलती है आप सभी को, ओबीसी एसएसटी सबको मिलती है, और यहाँ पर 10वीं पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, उसके साथ ही साथ आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब एचएमवी का होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का आप सभी के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब ये लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, अभी तो भैया एग्जामिनेशन की डेट अभी आई नहीं है, फॉर्म अभी भरा जा रहा है, क्या अभी से कर सकते हैं? देखो भाई ऐसा नहीं, आप सभी ये जान लो कि डॉक्यूमेंट की डेट हमेशा ही फॉर्म की लास्ट डेट होती है। अगर इस फॉर्म की लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका 26 जून से, सॉरी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, कहाँ गया, कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ, यहीं पर डेट लिखी थी ना भाई, ठीक है, बताता हूँ, तो लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो है आप सभी की 26 जुलाई, ठीक है। देखो 26 जुलाई तक का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर इतने में बना सकते हो तो ठीक है। और एक बात मैं आप सबको और बता दूँ, जब पहले भर्ती आती थी ना, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगता था, और उस पहले जो भर्ती आती थी ना भाई, उसमें उसमें क्या होता था, उसमें हैवी व्हीकल का भी चल जाता था, लाइट व्हीकल का भी चल जाता था, दोनों चल जाता था, मगर इस बार आप सभी का केवल हैवी व्हीकल का बोला गया, ठीक है। और जो एज लिमिट होती थी वो भी थोड़ी सी अलग होती थी, वो वहाँ पर केवल 22 से 25 या 21 से 25 होती थी वहाँ पर, इसमें 27 साल भी कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हाइट वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा मांग लेती है यार, हाइट वगैरह दिखा दूँ ना भाई, तो हाइट वगैरह जो यहाँ पर है, कहाँ गए भैया, ठीक है, ये देखो हाइट वगैरह, देखो जो नॉर्मल एरिया से बिलोंग करते हैं ना भाई, जो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 से 85 चेस्ट चाहिए, ठीक है,
उसके साथ ही जब गोरखा का माव वगैरह है उनकी 165 चाहिए, 78 से 83 चाहिए। आज जो आपके एसटी वगैरह है नागालैंड वगैरह के उनके 162.5 और 77 to 82, और जो यहाँ से बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके 160 सेंटीमीटर और 76 to 81, अपना अपना देख लेना भाई, ठीक है। और जो यहाँ से बिलोंग करते हैं ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न, तो वहाँ से आपका हो जाएगा 162.5 सेंटीमीटर, तो 76 to 81 आप सभी का चेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट वगैरह अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मेडिकल में आप सभी को बता दूं, मेडिकल भाई सही होता है, बढ़िया खासा मिल, तो आँख वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी, आँख का हियरिंग पावर वगैरह सब कुछ बढ़िया से चेक किया जाता है, तो मेडिकल में उतना भी घबराना नहीं, सब कुछ सही है तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। टैटू वगैरह के बारे में आप सबको पता है, अप्लाई करने की डेट वगैरह सब कुछ है, 100 रुपये फीस लग रही है आप सभी की, जो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है कि पहले इसमें पीएसटी वगैरह होता है, ये पीएसटी वगैरह आप देख सकते हो, 1600 मीटर की रेस होगी आप सभी की, 7.5 मिनट को सभी को होता है, मतलब आईटीपीपी की हर दौड़ में ऐसा ही होता है। 11 फीट की आप सभी की होगी लॉन्ग जंप, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और 3.5 फीट की आपकी हाई जंप होगी जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम चेस्ट वगैरह आप सभी को पता है, उसके बाद आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन, देखो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में आप सभी को बता दूं, यहाँ पर बोला गया कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे देखो यहाँ पर क्या दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया गया है, तो अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना चाहते हो तो हमारे चार्ली बैच से जुड़ जाओ, चार्ली बैच में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश ये सब कवर हो जाएगा, यानी कि 10, 20, 30, 40 नंबर का आपका चार्ली बैच में जुड़ जाएगा, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आप सभी को सफिशियंट होगा, आप चार्ली बैच से जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी ट्रेड रिलेटेड थ्योरी की बात करोगे, अगर डिमांड करोगे इस वीडियो में, तो ट्रेड रिलेटेड थ्योरी में आप सभी को पढ़ा दूंगा, क्योंकि पता है क्यों पढ़ा दूंगा, कहाँ से पढ़ा दूंगा भाई, मुझे सब कुछ आता है, कैसा नहीं, मैंने भी आईटीआई कर रखा है मोटर मैकेनिक से, मोटर मैकेनिक जानते हो ना, ऑटोमोबाइल से मैंने आईटीआई कर रखा है 2 साल का, वहां मैं आप सभी को सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ, इंजन से लेकर सब कुछ, पूरी बॉडी मुझे आती है, पूरा चेसिस हो गया, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, डिफरेंशियल हो गया, इंजन के पूरे पार्ट पता है सब कुछ, कनेक्टिंग डॉट से लेकर पिस्टन से हो गया, रिंग से हो गया, स्लीव हो गया, सारे कंपोनेंट मुझे पता है, ठीक है, कैमराउड हो गई, मतलब सब कुछ अब मैं आप सभी को बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा थ्योरी पढ़ रखा है, और भैया अच्छे से पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल टाइम पास के लिए पढ़ाई करता हूँ, जो भी चीज़ पढ़ता हूँ बिल्कुल घुस जाता हूँ उसके अंदर, पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस में आप सभी को बता दूं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आप सभी के, वो सभी आप सभी के इस लास्ट डेट तक पे होने चाहिए, 26 जुलाई, अगर आप बनवा सकते हो तो बनवा लो, क्योंकि तो इसमें एक्सपीरियंस के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं की। अब पुराने समय में क्या होता था कि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता था, मगर इसमें ऐसा कुछ मांगा नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आपको जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो आप सभी को देने किस आधार पे है, अपने लास्ट डेट के आधार पे, अगर लास्ट डेट तक अगर आपके पास है तो भाई बढ़िया है, आप दे दो अपने पास एग्जामिनेशन के से पहले पहले, ठीक है, मतलब फॉर्म लास्ट डेट से पहले पहले दे दो, 26 जुलाई से पहले पहले दे सकते हो, ठीक है। तो भाई आप ये समझ लो कि वैकेंसी सही है, अगर ड्राइवर बनना चाहते हो आईटीबीपी में तो बढ़िया है, पैसा अच्छा खासा मिलता है, सब कुछ मिलता है, मगर जान भी लो कि ड्राइवर की नौकरी भी है, और वो आप सभी को पता भी होगा, तभी तो बनना चाहते हो ड्राइवर, बढ़िया है, जाओगे आईटीबीपी में और एमटी में कहलाओगे, मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी डिपार्टमेंट, एमटी बोनटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रमोशन वगैरह बताता हूँ, कांस्टेबल से फिर सीधा ही आप सभी को हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, हेड कांस्टेबल से बनने के बाद आप सीधा बन जाते हो एसआई बनते हो, एसआई बनने के बाद ड्राइवरिंग करता नहीं कोई भी, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ही ड्राइवरिंग करते हैं, आपका एसआई वगैरह ड्राइविंग ही नहीं करते, ठीक है। आप फिर उसके बाद ड्राइविंग वगैरह नहीं करना, फिर वहीं ऑफिस में रहना है, वहीं पर और जो कागज वगैरह हैं वो सब चीज़ें देखनी है, और इनका एक अलग से बटालियन भी है, एमटी की अलग से बटालियन है, ठीक है, तो वहाँ पर चले जा सकते हो, वहाँ पर भी आप सभी का टेस्ट वगैरह होगा, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया है आप सभी का, ठीक है। आप सभी का ये बटालियन शायद चंडीगढ़ वगैरह में कहीं पर है, उत्तराखंड में कहीं पर है आप सभी की, तो वहाँ पर आप सभी का एमटी का पूरा पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ रह सकते हो, बढ़िया सब कुछ रहेगा। तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक ही ड्राइविंग वगैरह करनी पड़ती है, उसके बाद तो आपको फिर रिलैक्स दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप सभी इसका फॉर्म जरूर भरो, पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी आ रखी है। अगर पढ़ने की बात करोगे तो हमारे चार्ली बैच से जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको पूरा चीज़ मैंने कंप्लीट कर रखा है, आपको जीके भी मिल जाएगा, आपको वो हिंदी भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चालीस वैसे जुड़ जाओ। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।